ठीक है, मतलब पहला, सबसे पहला कंटेंट, कंटेंट का इम्प्रूवमेंट तुम समझ गया ना? हाँ यस सर, गॉट इट सर. मतलब इन जाके जो सब्जेक्ट है उसको इनक्लाइन रखना है विद द हाँ, दे डेवलपमेंटल इश्यूज, आर नॉट तो मैं कैसे सब्जेक्ट, करने वाली हूँ. हाँ मल्टीपल सब्जेक्ट स्टडीज नहीं है, यस सर, गॉट इट सर. रदर देन पर्सपेक्टिव टू सी डेवलपमेंट विथ डिफरेंट सब्जेक्ट लेंस। यस सर, और इसके अलावा मतलब और भी चीजें हैं, जैसे डेवलपमेंट को होलिस्टिकली समझना, व्हाट आर द वेरिएबल्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स विच कैन बी काउंटेड इन डेवलपमेंट, है ना, और किस किस टाइम में किसकी प्रायोरिटी है, मतलब बहुत डायनेमिक है ना डेवलपमेंट के, कौन सा कंपोनेंट, कौन सा वेरिएबल कब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ये जो डिस्कशन है बहुत डायनेमिक है। ठीक है, तो जैसे मतलब कहीं कहीं पे एजुकेशन इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट, और कहीं कहीं पे हेल्थ हो सकता है, कहीं कहीं पे इंडस्ट्री की बात हो सकती है, और डेवलपमेंट, अच्छा डेवलपमेंट को कैसे डिफाइन करोगे तुम बोलो? हाँ बोलो रितिका, हेलो। आई थिंक शी लॉस्ट कनेक्शन. ये सिर्फ मेरा मैनेज, हाँ बताओ। वेरियस मैनेजरियल बैकग्राउंड्स. सो तुम्हारा बेसिकली यू कुड हैव रिटन दैट वे आल्सो, कि जो तुम्हारी मैनेजरियल स्किल्स हैं दैट यू हैव हाँ लर्न्ड, यस सर, नो दैट विल हाँ अलाइन फॉर यस सर. मैनेजरियल स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, यस सर, है ना, शैल गेट अलाइन्ड और डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज एंड प्रोजेक्ट्स, है ना, इन ऑर्डर टू प्लान एंड यस इम्प्लीमेंट। सर. हाँ, मैंने बस वो ऐसे उसमें से लिखा है सर, लाइक थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स आई विल बी एबल टू प्लान, एग्जीक्यूट एंड मॉनिटर रिसोर्सेज ठीक है, तो जो. समझ में आ गया मैं। बट ये भी है ना कि जैसे ये तो तुम्हारा पुराने वाले पे अपग्रेड है, और नई भी चीजें तो हाँ तुम यस समझोगे सर, ना, मतलब कि नई भी चीज होगी कि दैट यू कैन वर्क फॉर डिफरेंट सोशल इश्यूज और डेवलपमेंटल इश्यूज, यस सर, है ना, यस सर, एज अ प्रोग्राम मैनेजर व्हिच वेयर यू विल बी लीडिंग द टीम और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यस सर. तो सर आप ओपीआई चेक कर रहे हो क्या? डॉक्यूमेंट हाँ, मेरा भी करोगे क्या? क्या नाम है तुम्हारा? रौनक. ठीक रौनक कर दूंगा। है सर. तो ये क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन या फिर रिसर्च कैपेबिलिटी होगा, फिर एनालिटिकल यस सर, एबिलिटी एबिलिटीज इन कंपेयरिंग डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, वेरिएबल्स ऑफ यस डेवलपमेंट। सर, क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग बताते हैं ना कि डेवलपमेंट के वेरिएबल्स एक दूसरे को बहुत इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट यस सर, ओवरऑल इज डिपेंडेंट ऑन मेनी वेरिएबल्स, तो यस एक सर, के बढ़ने से दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि यू कैन नॉट वर्क फॉर ऑल द कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, कि पहले आप जैसे मान लो कि एजुकेशन और हेल्थ दोनों इम्पोर्टेंट है, बट यू डोंट हैव दैट मच ऑफ रिसोर्स टू वर्क और वर्क फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स टुगेदर, तो आपको ट्रेड ऑफ लेना पड़ता है। तो कई बार हम ऐसे यस सर, स्मार्ट यस ये सर, डिवाइस कर सकते हैं कि कैन वी हैव समथिंग वेयर वी विल वर्क एंड इट विल गिव बैक ऑल द अदर एस्पेक्ट, है ना, तो जैसे यस तुम वो सर, भी देखोगे एसडीजी वगैरह पढ़े कि नहीं, पढ़े हो कि नहीं? यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सर. हाँ हाँ यस सर, मतलब ऐसे देखा है 17 गोल्स है,
और 2030 में अचीव करना है. तो सस्टेनेबल गोल्स जो है वो बेसिकली तुमको प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है, आपके डेवलपमेंट गोल्स को, लेकिन उसको भी देखा जाता है कि कई बार जो आपके डेवलपमेंट रिलेटेड गोल्स है ना, दैट इज नॉट डायरेक्टली अचीवेबल. यस सर. दैट कैन बी इंड्यूस्ड ग्रोथ इन दैट और जो भी उसके आउटकम है वो हम दूसरे वेरिएबल के इंड्यूस करके, दूसरे वेरिएबल को इंडक्ट करके भी हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है. Yes. तो मतलब लाइक समटाइम्स इट माइट बी पॉसिबल कि अगर एजुकेशन नहीं किसी एरिया में बहुत अच्छा है तो हम वहाँ पे स्पोर्ट्स को पहले प्रमोट करके फिर एजुकेशन हम उसके थ्रू अचानक से इंड्यूस कर सकते हैं. सर अर्थक्वेक फील हुआ था अभी? हाँ हाँ. नहीं तो अभी 5 मिनट पहले बहुत खतरनाक आया था. जबकि मैं तो मेरी चेयर हिल रही थी लेफ्ट राइट. तुम कौन से फ्लोर पे रहती हो? मैं थर्ड फ्लोर पे रहती हूँ. हाँ तो वहाँ ज्यादा पता चलता है. हाँ. बाकी तो पता चलेगा इसका एपिसेंटर कहाँ पे है. अब अर्थक्वेक है तो कल जिसका इंटरव्यू है, परसों जिसका इंटरव्यू है, यू कैन एक्सपेक्ट अर्थक्वेक रिलेटेड क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि yes, तुम sir. अपने लिए पर्सनलाइज स्किल्स जो तुम लिख सकती हो वो है कि आपका जो ऑलरेडी स्किल्स हैं मैनेजर स्किल्स और कंप्यूटर्स वो अलाइन होंगे. yes, और उसमें इनहांसमेंट होंगे. yes, और बाकी डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी प्रोफाइल्स है उसके जो भी स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो सब भी आएगी. एंड यू विल बी कैपेबल टू परफॉर्म रिसर्च, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज, क्रिएट पॉलिसीज और research for policies or compare or analytical abilities to compare different aspects of development or variables of development. ठीक है. तो like we were talking about कि there could be alternate way to achieve the same goal, है ना, without even working for that particular variable. ठीक है. Yes sir, got it. तो इसके बाद है प्रोस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स. क्या क्या प्रोस्पेक्ट लिखा है बताओ जरा सा. टीच फॉर इंडिया वाले तो बच्चे आते हैं फिर यहाँ पे. अब यहाँ से फिर टीच फॉर इंडिया में जाओगी क्या? नहीं नहीं सर, वो मैंने एक्चुअली वो एपीयू रिलेटेड वैसे ही लिख दिया सर, मैं कॉल्टर करना है ये तो बेवकूफी है. मतलब जब टीच फॉर इंडिया जैसे टीच फॉर इंडिया में जाते हैं फिर वो डेवलपमेंट स्टडीज में जाते हैं, तो ये वर्क एज फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट स्टडीज. तुम डेवलपमेंट स्टडीज करा के तुम यहाँ बुला रहे हो. हाँ ऑफ कोर्स, टीच फॉर इंडिया और किसी भी एनजीओस के डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोफाइल्स और डेवलपमेंट रिलेटेड उसमें जो क्यारे है या फिर उनका रिसर्च है उसको उसमें तुम पार्टिसिपेट कर. टाटा ट्रस्ट. अब ये तो इसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, मतलब यू कैन जस्ट राइट एनजीओस में आपका. बस मैंने एक दो मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा सर. अच्छा ठीक है. एलिमेंट प्रॉपर्टी अच्छा, इन लोगों का काम भी तुमने लिख दिया ना. ठीक है. क्या सीएसआर संहिता? ठीक है. सोशल बैंक्स एवरग्रीन्स. हां बैंक्स में बहुत जॉब लगता है. तो सोशल बैंक नहीं, सारे बैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं, डेवलपमेंट बेस्ड डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, डेवलपमेंट मैनेजर्स होते हैं. मतलब ऐसा बैंक में भी होता है, कॉर्पोरेट में भी अब कुछ प्रोफाइल्स ऐसे बन रहे हैं जो बेसिकली डीएस ग्रेजुएट्स होते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि डीएस वाले लोगों को कॉर्पोरेट वाले किसी भी प्रोफाइल में देने के लिए रेडी हो जाते हैं कई बार. तो मतलब दे आर ओपन टू, अगर आप अपना डीएस के साथ साथ कोई मैनेजरियल फंक्शंस भी अगर आप डेवलप करते हो तो यू कैन गेट दैट पोजिशन मैनेजरियल. बस वही बात है कि जैसे अगर बीएस के साथ साथ यू वांट टू डेवलप मार्केटिंग स्किल्स तो वो कॉलेज आपको सपोर्ट तो नहीं करता है. मतलब यू विल गो मतलब टेस्ट में जाओ या फिर आईआईटी में जाओ तो दे वांट यू टू है ना ट्रेन यू वो. लेकिन मेरा अपना पर्सनल ये ओपिनियन है कि सोशल सेक्टर के बच्चों को अल्टरनेट स्किल्स पे भी वो करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, जिससे कि उनके अपने काम में भी इफेक्टिवनेस आएगी. And they will also feel more capable in term of in comparison to other MBA students. और दूसरा जो है कि कई बार कॉर्पोरेट भी कई सारे रोल्स के लिए आपको ज्यादा वो देगी, वैल्यू देगी.
रिसर्च इंस्टीट्यूट थिंक टैंक्स ठीक है, कंसल्टिंग फॉर्म डेलॉयट केपीएमजी, अब इसी तीन का नाम लिखियो, लाइक लिख देते फिर। एपीयू, एपीयू के लिए तुमने लिखा था क्या कि एपीयू में ये सब काम होता है? क्या था सर, बस थोड़े इंस्टीट्यूट जाने के लिए, बिकॉज मैं पढ़ रही हूँ ना सर, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसीलिए, तो मैंने मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था सर। तो फिर इसके बाद तुमने लिखा है व्हाट्स योर एस्पिरेशंस फ्रॉम दिस कोर्स एंड व्हाई, बताओ इसमें क्या लिखा तुमने? शॉर्ट टर्म गोल्स, आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन एनजीओस एज अ थिंक टैंक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर्म्स टू डेवलप एज अ डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट माय लर्निंग्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। तो इट्स नॉट ओनली इम्प्लीमेंटेशन, ये होता है कि लर्निंग के दूसरे डायमेंशन भी होते हैं विच यू गेट वाइल वर्किंग। तो इस तरह के जितने भी कोर्स है ना जो बहुत रिसर्च थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो ये दो साल टू इयर्स आर नॉट एनफ टू मेक यू प्रोफेशनल इन दैट पर्टिकुलर, यू नीड सम वर्क आल्सो। तो जो आपका आफ्टर कोर्स जो वर्क होगा ना, आफ्टर कोर्स जो जॉब होगा, दैट अगेन अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग है ना। ट्रेनिंग, क्योंकि जो longer goal hai to administer or administer or lead a project or devise policies, wo ye sab karne ke baad aapko milega, theek hai sir? So, if if someone wants to move to abroad or something after this, after pursuing this course or something, to mention kar sakte hai wo? Ha bilkul kar sakte ho, tum likh sakte ho ki I would like to go for research, hai na, or at a global level or some global organization, aise likh sakte hain. Haan, kyunki dekho aisa bhi nahi hai na ki matlab why koi puchega kyun, because aap India mein graduate hue aur India has the issues, why do you want to move abroad? Tum ye bol sakte ho ki like we say, like we see or like we know that the development of a particular sector is not a single variable, hai na, we see it holistically. And it also get impacted by all the global international events, international events. So usme kya hai ki, and also while thinking ki India should be developed or Indian population should be developed, ye bhi ek galat target hai. We need to think holistically for the entire world. Kyun? Kyunki world is divided into two parts, hai na? One is the developed and second is underdeveloping or developing. So basically yes. kya hai ki इस अगर हम कोलैबोरेटेड एफर्ट दें, है ना, तो जो टारगेट है इसकी चीज के टारगेट या डेवलपमेंट का ऐसे भी जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है कि ये या कोई भी डेफिनेशन है उसको अचीव करना हमारे लिए आसान होगा। तो फाइंडिंग कई बार क्या होता है कि जैसे जो भी प्रैक्टिसेस हम करते हैं या फिर जो भी प्रैक्टिसेस ट्राई टू इम्प्लीमेंट और रिसर्च्ड और फाउंड, वो कम हो सकता है। तो हमें दूसरों के भी प्रैक्टिसेस को समझना चाहिए, उसको इंडियन लेवल पे, इंडिया लेवल पे कॉन्टेक्स्टलाइज करना चाहिए। तो व्हेन यू विल गो अब्रॉड एंड वर्क फॉर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन और रिसर्च करोगे, देन अगेन यू विल बी मोर कैपेबल इन द वे कि आप वहाँ के प्रैक्टिसेस को समझोगे, वहाँ के केस स्टडीज को समझोगे। तो इफ एनी डे यू विल कम बैक टू इंडिया और इंडियन एनवायरनमेंट में जब काम करोगे तो उसको कॉन्टेक्स्टलाइज कर पाओगे, ठीक है? ओके। लॉन्ग टर्म गोल है आपका, इफ आई एम वेल इक्विप्ड विद द नॉलेज एंड रिसोर्स आई वुड सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन एज पर माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट। वो क्या है योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट सर? वो अभी मुझे आफ्टर स्टडीइंग एंड अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस ही आई वांट, आई कैन प्रोबब्ली कम टू दैट कंक्लूजन। अच्छा, अभी तो पता नहीं है, आई एम गेट अ सर्टेन इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्रोस्पेक्ट फॉर नेशंस सोसाइटी क्या लिखा तुमने? सर मैंने सोसाइटी के लिए ये लिखा है सर कि मतलब कि सोशल डिसिप्लिन से क्या होता है, तो हम लोग आके बहुत सारे मतलब तो एनालिटिकल स्किल्स, हम बहुत कुछ डायमेंशंस मतलब इन कंसिडरेट लेते जो नेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक पॉवर्टी, हेल्थ, हाइजीन, तो उस पर बहुत सारा डेटा इनपुट जो होता है थ्रू विच गवर्नमेंट्स को वर्क अपॉन, और वो आके दैट विल हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग न्यू पॉलिसीज
for the betterment of the people, for the masses, in a positive way. नहीं नहीं डायरेक्ट फायदे बताओ तो पहले कैसे सॉरी मतलब सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट करता है एक बार फिर से बताना सर मैंने यही बोला सर क्या जो तुमने लिखा है वही बोला है क्या हाँ यस सर नहीं मतलब सर सुनाली तुम बताना इस क्वेश्चन पे सर अकॉर्डिंग टू मी मतलब मैंने लिखा तो ऐसा ही सिमिलर ही है बट आई हैव टॉक्ड अबाउट प्रॉस्पेक्ट्स फॉर द सोसाइटी में कि इट विल ग्रेजुअली लीड टू इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हंगर जेंडर इनइक्वालिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट जेंडर इक्वालिटी तो है एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट ही तो है हां हां वही मतलब वो इरेडिकेशन में वो रिपीट नहीं हो गया बहुत सारी चीजें अरे तुम लोग सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते हो सोसाइटी को इंपैक्ट पड़ेगा कि So, जैसे हाँ वुमेन एम्पावरमेंट तुमने बोला या जेंडर इक्वालिटी तुमने बोला या इक्विटी तुमने बोला या पॉवर्टी का वो होगा तो ये डेवलपमेंट से तुम्हारे सुपरस्टिशन भी कम होंगे एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ये भी लिखा था कि इफ यू ऑल पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज एंड रिसर्च एंड एडवोकेसी सो इट विल रेज अवेयरनेस अमंगस्ट पीपल एंड इवेंचुअली लीड टू ऑल दीस फैक्टर्स दैट आई मेंशनड तो इसमें एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट बोलो सोशल जैसे सोशल इश्यूज क्या क्या होते हैं कि वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा जैसे अगर हम एजुकेशन पे काम करते हैं सो दैट विल इरेडिकेट और दैट विल रिमूव ऑल ऑल दोस मिथ्स एंड ये सोशल बिलीफ दैट सोसाइटी हैज सुपरस्टिशन ये सब भी कम करेगा एजुकेशन पे और हेल्थ पे अगर काम होगा तो हेल्थ अच्छा होने से माल न्यूट्रिशन कम होगा फिर मेंटल हेल्थ पे काम भी होगा कई सारी चीजें हैं मतलब व्हिच विल डायरेक्ट हैव इंपैक्ट ठीक है ऐसे तुम कुछ बुरा तो तुमने नहीं लिखा है यस मतलब मैंने वही मतलब सब जो मेन जो भी इश्यूज है उसको और व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशन ऑफ कोर्स ये तो कई सारी डेवलपमेंट पे हम बात ही डेवलपमेंट की कर रहे हैं तो लोकल लेवल पे हम डेवलपमेंट के गोल अचीव करेंगे एसडीजी अचीव करेंगे है ना तो आपको नेशंस के इकोनॉमी में और वेलबीइंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी यस सर वही लिखा चैलेंजेस क्या है बताओ सर मैंने फर्स्ट यही लिखा है कि करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड है बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ही लिमिटेड है सर सेकंड ऐसे मेरे को ये लग रहा है सर आफ्टर माय रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग सर मुझे लग रहा है कि इंस्टीट्यूट्स ही बहुत लिमिटेड है सर जो प्रैक्टिशनर्स ही लिमिटेड है कि गवर्नमेंट भी तुम ऐसे कर सकते हो कि लिमिटेड इसलिए है ना कि इंस्टीट्यूट कोई डेवलप क्यों होता है जब उसके प्रोडक्ट की डिमांड गवर्नमेंट इज नॉट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सो मैंने वो भी लिखा तो तुम ये भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट भी यूज नहीं करते इन रिसोर्स को हां यस सर मैंने वो ही लिखा है कि जैसे ज्यादा डिमांड बढ़ेगी फॉर इंस्टीट्यूट्स एंड प्रैक्टिशनर्स तो गवर्नमेंट भी रियलाइज करेगी कि ऐसे एक्सपर्टीज की बहुत जरूरत है फॉर सोशल इंटरवेंशन पॉलिसी मेकिंग और अपलिफ्टमेंट और सर मैंने ये भी लिखा है कि सर कंट्री लाइक इंडिया जो बहुत हेटेरोजेनियस है तो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है सर जो प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट के लिए और लास्ट ये लिखा है कि सर जो रिलक्टेंस है अमंग पीपल और एक अवेयरनेस है जो पीपल लैक कर रहे हैं तो वो बहुत ही बड़ा एक सोशल हिंड्रेंस है सर सुनाली तुमने कुछ और ऐड करना है इस पे सर मैंने भी एम्प्लॉयबिलिटी और ये गवर्नमेंट का वही इंटरवेंशन वाला लिखा है और लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस और फैकल्टी वगैरह इसमें एक चैलेंज ये भी है कि मतलब द रिसर्च जो है जो इंडिया के रिसर्च है बहुत कम है तो हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है बाहर की यूनिवर्सिटी और बाहर के रिसर्च पे लाइक हमारे पास डेटा पॉलिसीज और बुक्स और वो सब रिसोर्सेज कम है हमारा जो भी अब हमारा सोसाइटी अलग है कल्चर अलग है ईस्टर्न कल्चर इटसेल्फ डिफरेंट है बट स्टिल वी आर डिपेंडिंग ऑन वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो भी स्टडीज और रिसर्चेस होती हैं तो वो उनको हम रेप्लिकेट प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे ही डिपेंडेंट रह पाता है
है ना, लर्निंग उसकी नहीं हो पाती है, एंड देन अगेन उसकी वजह से फिर रेप्लिकेशन नहीं होता, उसकी वजह से फिर हम प्रोजेक्ट्स भी डेवलप नहीं कर पाते लोकल एरियाज के लिए. हाँ, और एट द सेम टाइम ये भी है कि डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोजेक्ट्स या जो भी डिसीजन मेकिंग या जो भी उनके वो हैं एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज नॉट इजीली मतलब अचीवेबल इन टर्म ऑफ जिसको हम विजुलाइज कर सकें कि आपने कुछ डेवलपमेंट स्टडीज के बेस पे कुछ काम किया एंड यू गॉट सक्सेस हियर, है ना. इट टेक्स टाइम टू ब्रिंग एनी डेवलपमेंटल फीचर इन अ सोसाइटी. तो वो जो रिकॉग्निशन ऑफ वो है as a professional stream ye kam matlab we don't development that. study matlab mostly subsumed rehta hai under economics only. even jaise hum phd bhi karna chahte hain and yes. net dena chahte hain to humko economics ka hi net dena padega even yes. for development studies. ha yeah, that's a good point. ye sab challenges mein likho. tumne likha ki nahi hai sab likha abhi likh rahe ho ab likh rahe ho. हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारे लोग डिफरेंट है. वेस्टर्न कल्चर मोस्टली इंडिविजुअलिस्टिक होता है, हमारा कलेक्टिविस्टिक कल्चर है. तो अपना रेप्लिकेशन जो होती है रिसर्चेस की, जैसे कोई भी रिसर्च होती है तो उसको ना वैलिडिटी चेक की जाती है, उसकी उसकी रिलायबिलिटी देखी जाती है, तभी हम उसको रेप्लिकेट कर पाते हैं इन ग्राउंड रेप्लिकेट या फिर कॉन्टेक्स्ट में. हाँ, तो एशियन रिसर्चेस नहीं है हमारे पास, बुक्स नहीं है हमारी स्पेसिफिकली डेवलपमेंट स्टडीज के लिए. अपार्ट फ्रॉम अमर्त्य सेन, बिल्कुल लास्ट में क्या बोला था सुनाली तुमने? उसके बाद मैंने यूजीसी नेट का बोला था. हाँ कि नहीं, हाँ तुमने बोला था कि डेवलपमेंट स्टडीज स्टिल अंडर इकोनॉमिक्स. हाँ, सो वी हैव नॉट रिकॉग्नाइज्ड डेवलपमेंट स्टडीज एज अ फुल-फ्लेज्ड सब्जेक्ट. इवन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के, हाँ, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के साथ ना ओवरलैप होता है. तो स्पेसिफिकली डेवलपमेंट स्टडीज का हम नहीं पढ़ रहे हैं. हम जब भी पढ़ेंगे भी इन फ्यूचर, सो वी विल बी स्टडीइंग अमर्त्य सेन का या अभिजीत बैनर्जी का, जो भी ओवरलैपिंग स्टडीज हैं, और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की उनकी जो बुक्स वगैरह है, आई थिंक ये लिख सकते हैं. अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी के भी ज्यादातर काम जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का है. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज्यादा नहीं है, ऑल्दो अमर्त्य सेन नहीं है ने लिखा है, but lot many things that they have written is not very true for Indian. उनका inspired है बस यहाँ से, because they've seen it here, but then उन्होंने जाके work बाहर किया है, तो फिर वो contextualize वही वाला issue. उनकी एक book है जिसमें एक particular chapter था that was made for Indian वो, जिसको जीन रेज ने criticize किया और उन्होंने बोला कि नहीं है इसमें ऐसी ऐसी changes आपकी जरूरी है, तो उन्होंने उस उनको accept. That's a good part in इसीलिए जो जो सबसे लीडिंग बुक है अमर्त्य सेन की, उसमें एक चैप्टर जो है वो जीन रेज, सर गए क्या? हाँ, तुम लोग नहीं कर रहे क्या एक्सटेम्पोरी? नहीं नहीं, अरे सर का गए यार, मैं बीच में बैठा हूँ यार, मतलब ऐसे बंद हो गया क्या उनका सिस्टम? आई थिंक लेफ्ट हो गया. चलो वेट करो, मैं होस्ट बन गई. सूरज तू क्या करना है अबे? मुझे सर ने बोला था रुको, बात करेंगे या फिर इंटरव्यू करेंगे. अच्छा, चल क्या चलेगा सर, चलो फिर मैं भी जाता हूँ. देख लो सर का, अगर आएंगे तो मैं बुला दूंगा. ठीक है, रितिका लिख लिया क्या? क्या लिख लिया? ये मैंने एक तो ये वेस्टर्न डोमिनेशन का लिखा है. एक्चुअली बोल इतनी सारी बातें जाते हैं, लिखा मैंने कुछ भी नहीं है. हेलो, हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रही थी वापस बोलो. मैं बोल रही हूँ कि लिख लिया तुमने ये? मैंने बोल तो इतना सब कुछ दिया, बट आई हैव नॉट रिटन इट. हाँ हाँ, मैं इसे नोट डाउन कर रही हूँ.
समझ ही नहीं रहा इतना सारा मैंने लिखा है वही इतना सारा कंटेंट बोल दिया याद मुझे भी नहीं रहा. एक तो आई हैव रिटन के रिसर्चेस एंड रिसोर्सेज आर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट आर लिमिटेड, इसकी वजह से वेस्टर्न डोमिनेशन है, उसकी वजह से रेप्लिकेशन नहीं होता, डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट एट ग्राउंड लेवल एंड एप्लीकेशन. फिर बाकी ये है कि यूजीसी नेट अगर हमको इन फ्यूचर देना हो इंडिया में तो डेवलपमेंट स्टडीज के लिए स्पेसिफिक फील्ड नहीं है, वी वुड हैव टू गिव इट इन इकोनॉमिक्स ओनली. सर आ गए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अचानक से. यस सर. हां तो ये हो गया फिर मतलब एनफ चैलेंजेस वी हैव डिस्कस्ड एनफ चैलेंजेस. तो नेक्स्ट है अदर्स इन, बाकी चार तो करेक्ट है ना सर? हां हां तुमने ठीक ही लिखा. एक मिनट को पढ़ ही लेते हैं. द कैरियर अपॉर्चुनिटी, द नीड फॉर मोर डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड प्रैक्टिशनर्स थ्रू विच द गवर्नमेंट विल रियलाइज, और इनफैक्ट उल्टा भी है, द गवर्नमेंट इफ गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी रियलाइज्ड शुड हायर सर वही मैं तो इफ गवर्नमेंट विल हायर मोर देन ऑटोमेटिकली मोर इंस्टीट्यूट विल गेट ओपन है ना, द डिमांड विल. हां यस सर गॉट इट. तो नेक्स्ट है द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट अराइजेस बिटवीन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स एंड पॉलिटिकल. ये बिल्कुल सही लिखा है तुमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार स्किल्स भी हैं कैपेबिलिटीज भी हैं बट द पॉलिटिकल विल नहीं है. तो बिना पॉलिटिकल विल के, बिना उनके कंट्री मतलब एक्सेप्टेंस के आप कर भी क्या सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग दैट यू कैन डू इज नॉट, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इंडिपेंडेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. तो पॉलिटिकल विल ऑफ गवर्नमेंट डज मैटर. और दूसरी ये कि इसमें ये भी चैलेंज कर सकते हो कि जो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं दे ट्राई टू इंटीग्रेट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी टुगेदर, बट इंडिया में क्या है कि डिपार्टमेंट्स इंडिया और जो अलग अलग प्रोस्पेक्ट्स के अलग अलग अथॉरिटीज बनी हुई है दे विल नॉट अलाउ यू टू वर्क इंटीग्रेटेडली. तो ये भी एक सर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में ऐसे ही लिखा है सर, मतलब एक रिलक्टेंस होता है ना सर और लैक ऑफ, तो मैंने वैब उस वे से लिख दिया. ठीक है उसके बाद आते हैं द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन. हाँ ठीक है ये हो गया द रिलक्टेंस ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ फियर अवेयरनेस अमंग द पीपल. ये मतलब ये दूसरा पॉइंट है उस वो वाली पॉइंट नहीं है जो मैं बोल रहा था, बट दिस इज ऑल्सो अ वैलिड पॉइंट. द बिगेस्ट चैलेंज इज टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिमांड बींग हाईली पॉपुलेटेड कंट्री द सप्लाई इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बींग एम्फसाइज़ेस द. तुम लोगों ने वो मूवी देखा है क्या प्लेटफॉर्म? सूरज तुमने नहीं देखा क्या सर? The platform. नहीं सर नहीं. Netflix की है. Netflix पे है? हाँ Netflix की है. मतलब Netflix की ही है. हाँ. मैंने कब देखा था. But बहुत अच्छी है. The biggest challenge is to उसमें ये समझाया हुआ है कि मतलब मतलब basically the theme of the story is कि class difference और power difference और सब random है. ऐसा भी नहीं है कि we say that we have created but aisa bhi nahi hai. Aur matlab almost every kind of people that matlab person people waise bolo every kind of personality that we see sabka koi na koi replica bana ke usme dikhaya gaya, but this is much matlab wahan pe isse bahut zyada hai. I'll not brief that movie 5 minutes. Okay anyway the biggest challenge to bridge the gap, theek hai, the need for creating more awareness educating empowering people through which they will be entitled to receive various benefits and participate in various social affairs schemes. theek hai ye bhi chalo. ye tumhari aspiration kya hai batao? social domain mein jana chahte the. I lacked knowledge and guidance after so many years of experience in corporate. I realized my desire to yahan pe jab bhi graduation likho na after bba likho jo tumhara graduation hai usko emphasize karo.
इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ा है, आपको उसका नाम लेना चाहिए. One year experience in corporate, I realized my desire to be part of the development sector because of its versatility, diversity, and need to learn and understand various social issues at ground root level. नहीं, grassroot level ही लिखा करो. अरे grassroot वो fast level. And come with the modern techniques to solve modern techniques नहीं, modern approach. और मॉडर्न के साथ साथ इनोवेटिव अप्रोच भी लिखो, क्योंकि ये भी जरूरी नहीं है कि जो मॉडर्न अप्रोच है जो मतलब वो सब जगह काम आएगा, है ना? यस सर, मैंने पहले ऊपर वाले में मॉडर्न एंड इनोवेटिव लिखा है. टू सॉल्व देम ऑप्टिमली द एनालिटिकल एंड होलिस्टिक अप्रोच, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल लर्निंग थ्रू रिसर्च वर्क एंड नॉलेज विल बी गेन फ्रॉम दिस कोर्स एंड इंप्लीमेंट. ठीक है, व्हाट मेक्स यू एलिजिबल फॉर दिस कोर्स बताओ. तो तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ग्रीड हो सकते हैं, एस्पिरेशन हो सकते हैं. सर, क्योंकि मेरे को आके आफ्टर आईसीआईसीआई में वर्क करने के बाद मतलब कमिंग फ्रॉम मैनेजमेंट, मेरे को ये लगता है सर मतलब आफ्टर अ पॉइंट मोनोटोनस हो जाता है और बहुत जैम पैक्ड होता है सर. बट इन डेवलपमेंट इट इज वेरी वर्सेटाइल एंड डाइवर्स. ओके, ठीक है. तो मतलब डेवलपमेंट के जो जॉब प्रोफाइल्स है या रिलेटेड जॉब प्रोफाइल्स है, उसकी चैलेंजेस या उसकी डाइवर्सिटी या पॉसिबिलिटी जो है, मतलब आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है सर, बहुत फ्लेक्सिबल है. मतलब अभी अगर मैं इफ आई एम इनटू कॉर्पोरेट थिंग, देयर आर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स एंड आई एम सपोज्ड टू डू दैट, मेरा इतना क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन थ्रू एनालिटिकल नहीं होगा सर, मतलब बिकॉज़ दैट इज समथिंग हैज बीन डूइंग इट. बट व्हेन आई सी डेवलपमेंट, आई बिलीव बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है सर. बट एट द सेम टाइम यू विल आल्सो गेट मोर चैलेंजेस हियर. Yeah, exactly. And all those challenges that you have mentioned for the course and the candidate, you will be also facing that. Exactly. So, ये तो है कि determination आपको ज़्यादा चाहिए subject के लिए. Yes, sir. और मुझे तो ये लगता है कि मतलब this is the very right time to be in this field. Yes, sir, definitely, sir. और इसमें क्या है ना, एक suggestion बस हमारा रखना, also develop some managerial skills with it. ठीक है. This will help you a lot in being successful in consultancy. The same field also. In the same field also, not only consultancy, and you can also be मतलब हो सकता है ना कि next you can also shift to the management sector any day. Sir, अभी आप जैसे बोल रहे हो managerial skills, मतलब in specifically in what sense आप बोल रहे हो? I'm talking about ये जैसे managerial thought process, managerial philosophy. जैसे हम तुमको कभी मैनेजमेंट वाली क्लास में या हमने लिया भी है तो बताया कि मैनेजरियल स्किल्स मतलब ये नहीं कि फाइनेंस क्या है, मार्केटिंग क्या है. इट्स अबाउट द प्रोसेस थिंकिंग, सिस्टमैटिक सिस्टम थिंकिंग. ठीक है, तो जैसे हम जनरली जो सोशल वर्क या डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ते हैं ना, वी डू मोर ऑफ रिसर्च, वी ट्राई टू कोरिलेट थिंग्स, बट सिस्टम अप्रोच नहीं डेवलप करते, है ना. पब्लिक पॉलिसी में फिर भी थोड़ा बहुत सिस्टम अप्रोच से पढ़ाया जाता है ना. तो इसमें आपको थोड़ा सिस्टमेटिक अप्रोच आप डेवलप करोगे, आप थोड़े मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से उस फिलॉसफी से देखना शुरू करोगे कॉज एंड इफेक्ट को और प्रोजेक्ट्स को, तो मतलब द सेम स्किल कैन बी यूज्ड फॉर अदर, जो अगर कभी जरूरत पड़ी तो कॉर्पोरेट में और सिमिलर अदर रोल्स में भी यू कैन. आप ऐसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे बोल रहे हो ना सर, इंटीग्रेशन ऑफ एवरीथिंग. नॉट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो तो चलो ठीक है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हुई तो वो भी आना चाहिए तुम्हें, क्योंकि डेवलपमेंट हाँ उसको भी जरूरत है तुम्हें. इसमें क्या लिखा है तुमने? मैंने ये लिखा है कि I'll be able to बोलो प्लीज. आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लो. सो I'm eligible for this course is the desire to learn and understand the development domains synchronized with my manager learning of the resources, financial and strategic planning, and other functions of management. I have 1 year of work experience, which enhanced my integral ability, decision making, problem solving, communication,
ठीक है, with all this learning exposure I have blended with my desire to understand the development field and build a career for which I require for this course. Related events and discussions क्या है? तो every event is related to this development, है कि नहीं? Yes sir. Yes sir. इसमें तो लिख देना चाहिए कि everything around us could be considered as the part of development. Yes sir. अभी वो क्या है ना, LGBTQ+ भी है. प्लस नहीं डाला तुमने? हम्म. सर मैंने बस थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही लिख दिए सर. इसने उस दिन समझाया था बहुत अच्छे से कि मतलब सारे टर्म का क्या मतलब होता है. हाँ सर, इंटरसेक्स आई होता है और वो प्लस का मतलब ये होता है स्पेक्ट्रम है ये, और ये अभी भी एडिशन चलता रहेगा. अच्छा, प्लस का मतलब सिर्फ एडिशन चलता रहेगा. हाँ, प्लस का मतलब ये है कि इट्स अ स्पेक्ट्रम, इट्स नॉट एंडिंग एनीवेयर. मतलब और एलजीबीटी क्यूआई. हाँ ओके. तो क्लाइमेट ये सब जरूर ठीक है. ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में नहीं लिखा तुमने कुछ? नहीं सर, वो मैं कुछ लिखना है सर. नेबरहुड में क्या चीज वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है? हाँ सर, मतलब मेरा बहुत शॉपिंग एरिया है सर, बहुत कचरा करके चले जाते हैं. फिर उसके लिए क्या किया सकता है? वही सर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आके मतलब इधर कभी कभार दे जस्ट कम ट्राइज अ वीक रादर जस्ट कमिंग रेगुलरली ताकि पायलट नहीं हो. सिस्टमैटिक वेज टू वेस्ट डिस्पोजेबल ऑफ, ये ठीक है. नहीं तो वेस्ट के लिए कुछ और भी सोचना पड़ेगा. तुम बहुत लाइट तुमने वो कर दिया सॉल्यूशन में. सीवेज ट्रीटमेंट, रोड मेंटेनेंस, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग लॉट्स, ठीक है. सब बताओ. हाँ, हॉबीज क्या क्या है तुम्हें बताओ? मतलब ऐसे डांसिंग है, लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक. सो या डांसिंग है. अभी मैंने रिसेंटली, अच्छा तुमसे पूछा जाए कि मतलब हाउ डांसिंग कैन हेल्प डेवलपमेंट. सॉरी सर, व्हाट? हाउ डांसिंग कैन हेल्प यू इन मतलब इन योर सब्जेक्ट और इन योर फ्यूचर एंडेवर और इन डेवलपमेंट. सर मेरे को लग रहा है मतलब थ्रू डांसिंग एंड लिसनिंग तुम ऐसे थ्रू डांस. हां बोलो सनाली. बोलो. हेलो सर. हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो. चलो सोनाली तुम बोलो. हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि मैंने जैसे पेंटिंग है मेरा हॉबी, तो मैंने उसको रिलेट ऐसे किया है कि इट इनकल्केट्स माइंडफुलनेस एंड पेशेंस इन अ पर्सन, और एक फ्लो भी जनरेट करता है. तो अगर इंसान कभी भी स्ट्रेस्ड आउट भी फील करता है बाय देयर वर्क, तो पेंटिंग इज अ हॉबी विच हेल्प्स यू रिलैक्स अलॉट. एक मिनट जरा सा होल्ड करना तुमने. हाँ तो हम क्या कह रहे थे कि डांसिंग माइंडफुलनेस ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें आप बता सकती हो. देखो जैसे जैसे मतलब मे बी यू आर नॉट डांसिंग क्लासिकल डांस और ऐसी चीजें, आर्ट एंड आर्टिस्टिक जो भी एक्टिविटीज हैं दे कैन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट, बिकॉज दे कैन बी क्रिएटेड एज अ सर्विस और प्रोडक्ट और something to people जिससे लोग associate हो सकते हैं. ठीक है, तो जैसे मान लो कि डांस फॉर्म या कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज अगर आप करते हो डेवलपमेंट स्टडीज में, या फिर एक प्रोडक्ट सर्विस डिफाइन कर रहे हो, डेवलपमेंट करना कोशिश कर रहे हो, कोशिश ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पे भी डांस का यूज हो सकता है. सही है, तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है. हाँ, ये आर्ट आर्ट के लिए तो इट्स वेरी एप्लीकेबल. जैसे हम ट्राइबल एरियाज को, उन लोगों को भी एम्पावर करने के लिए करते हैं ना अपनी ये चीज. हाँ, और तुम्हें एक और बात बताते हैं, जैसे यू माइट नॉट
थिंक इन दैट डायरेक्शन, बट मैं बताता हूँ कि इंडिया में डांस इज द वे ऑफ लर्निंग. जैसे बहुत सारी चीजें हम जैसे हम बोलते थे ना, वेद होता था हमारे यहाँ जो बोल के हम बताते थे, बट विथ मेनी डांस फॉर्म वी एक्चुअली एक्सप्रेस्ड लॉट मेनी स्टोरीज, लॉट मेनी सोशल एटिकेट्स टू पीपल. हाँ, फोक डांसेस होती है उसके थ्रू हमने, तो डांस जो है कई बार एक अल्टरनेट एजुकेशनल वो हो सकता है. मतलब एजुकेशन को जनरली हम डिफाइन कर दिए हैं कि जो लोग नाम पढ़ना जानता है, बोलना जानता है, केवल वही एजुकेशन है. नो, फॉर मी एजुकेशन इज समथिंग व्हिच मेक्स यू फंक्शनली स्मार्ट इन अ सोसाइटी, है ना. ऑफ कोर्स दीस डेज राइडिंग एंड राइटिंग एंड रीडिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट फंक्शनली स्मार्ट होने का मतलब क्या है कि यू नो व्हाट्स आर योर, व्हाट इज योर हेल्थ, मतलब हेल्थ के कंसर्न्स क्या हैं, पॉलिटिकल कंसर्न्स क्या हैं, आपके सोशल एटिकेट्स क्या हैं. And dance can be a very much medium to teach or spread that knowledge. ठीक है? Sir, फिर ऐसे ये चीज़ मेरा reading पे भी apply हो सकता है. जैसे मेरी hobby एक reading भी है. So I can relate it that literature for ages, for generations has been इसी तरह से लोगों के लिए एक learning source. बिल्कुल, ये तुम लिख क्या सकती हो, ये सच है. हम द पॉइंट इज कि हम बना नहीं रहे ना, आई एम नॉट ट्राइंग टू अ फोर्स्ड यूटिलिटी ऑफ दैट थिंग. तुम भरतनाट्यम डांस का डिटेल देखो, यू विल फाइंड द एवरी एक्सप्रेशन हैज अ मीनिंग इन इट. सो हाउ डू दे शो यू लोटस का फूल और कैसे सूरज और सूरजमुखी और क्या क्या दिखाते हैं. एंड एंड व्हाट, हाँ, तो वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो डांस फॉर्म्स और डांसिंग is not something that we just do for recreation. Or even agar hum recreation bhi ke liye bhi karte hain, which is very important for a society, hai na, in order to, when there is too much dynamicity in external environment or economic activities or welfare activities, khoob sari ho rahi hain, usme recreation bahut zaruri hai. Agar nahi hoga to puri ki puri society stress mein aati hai. Theek hai, so matlab dance, sports. मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ. जब 1921 में हुआ था ना, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, 21 या 29? 29. तो जब उसके बाद, जब ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब लीडर्स को, वहाँ के लीडर्स को हुआ कि वी नीड टू रीबिल्ड अमेरिका, तो दे थॉट कि ठीक है, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब चीजें तो इम्पोर्टेंट है, बट वी कैन नॉट इग्नोर रिक्रिएशन. तो तुम देखोगे कि वहाँ पे हर गांव छोटे शहर के आसपास ओपन एरियाज डेवलप किए गए हैं, जिसमें लोग पिकनिक के लिए या रिक्रिएशन के लिए जा सकते हैं. एंड वी ट्राई टू अडॉप्ट दैट आल्सो इन योर इंडिया बाय मेकिंग पार्क्स और प्लेग्राउंड्स. ये बट इट कुड नॉट हैपेंड वेयर सिटी जो है वो अपने पेस पे बढ़ी है, मतलब नॉट इन अ प्लान्ड वे. तो जहाँ जहाँ पे प्लान हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ने वो किया, डेवलप किया है, वहाँ तो हमने वी ट्राइड टू पुट द रिक्रिएशनल पार्ट इन दैट और इम्पोर्टेंस हमने डाला है. बट जो चीज़ें जो हमारे लिए वो इनहेरिटेड नहीं रही हैं, बिकॉज रिक्रिएशन और मेनी अदर सिमिलर थिंग्स वॉज मीन टू बी फॉर किंग्स ओनली इन इंडिया, है ना. तो राजा लोग होते थे जो डांस का फॉर्म देखते थे, शिकार करने के लिए जाते थे, पिकनिक करने के लिए जाते थे. हमारी जो गरीब कम्युनिटी है वो हमेशा अपने सर्वाइवल में ही परेशान रही है. बट वी नीड टू ब्रेक दैट. अगर आप डेवलपमेंट चाहते हो तो रिक्रिएशन को आपको बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा अपने प्लानिंग में, अपने थॉट प्रोसेस में. ठीक है. तो आई डोंट नो, मैं मतलब बहुत चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, बट यू मस्ट बी गेटिंग व्हाट माय पॉइंट इज. यस सर. और क्या था हॉबीज में डांसिंग के अलावा, क्या था? म्यूजिक, अगेन म्यूजिक हैज द मतलब सिमिलर रोल दैट डांस कैन प्ले, इनटैंजिबल कल्चरल, हां इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. और स्ट्रेंथ तो ऐसे हमने नहीं बोला था लिखने के लिए, ठीक है. आपने लिखा है कि आई एम वेरी रेजिलिएंट एंड ऑप्टिमिस्टिक. वीकनेस क्या है? लैक ऑफ पेस दैट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग which I'm not aware of. Hai ye kya hai?
सर वो मैंने एक्चुअली कुछ और लिखना था सर, मैंने लिख कुछ और ही दिया। मतलब ये वीकनेस लिख सकते हो कि स्लो लर्नर हो तुम, है ना? तो नॉट फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट्स बट सर्टेन कॉन्सेप्ट्स वो बोलते ना सर, यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बट स्टिल यू लैक द पेस। क्या 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 मैंने बोला सर? स्लो लर्नर सबके लिए नहीं, देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स यू कांट कैच अप, तो उसके लिए मैंने लिखा सर। मैं तो लिटरली बहुत स्लो लर्नर हूं, मुझे नया चीज दे दोगे, लेकिन स्लो लर्नर में एक बहुत चीज है कि एटलीस्ट वो लर्नर तो है। एग्जैक्टली पॉइंट है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सिर्फ नॉलेज कंपाइल करते हैं, दे डोंट लर्न। ठीक है, वो क्या है कि एक बड़ी साइक्लोपीडिया इंसाइक्लोपीडिया को लेके अपने दिमाग में एक छोटी इंसाइक्लोपीडिया बना लेते हैं, दैट्स नॉट लर्निंग। ठीक है, तो लर्निंग होना चाहिए सर। हाँ, लर्निंग आपके यूज में आए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो हर चीज जो आप पढ़ते हो लिखते हो, यू माइट नॉट बी एबल टू यूज दैट, सिर्फ फैक्ट्स बन के रह जाता है, डेटा बन के रह जाता है आपके लिए। एंड यू कैन जस्ट रेप्लिकेट इट, मतलब उसको एक्सप्लिसिटली रेप्लिकेट कर पाते हो, उसको यूज नहीं कर पाते। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ योर बैकग्राउंड इन दिस फील्ड? ये तो तुमने ऊपर से कई बार लिखा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तुमने, मैनेजमेंट पढ़ा होगा, रिसोर्स प्लानिंग पढ़ा होगा, ठीक है, जॉब वॉब किया है तो सब ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस भी तुमने लिखा ही है अपना, एलीट क्लाइंट और एडमिनिस्ट्रेट देयर एंटायर बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स। बैंकिंग एज ए डोमेन को भी तुम समझती हुई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बोल्ड में एम्फसाइज कर सकती हो तुम, क्योंकि बैंक्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर, यस सर, इट इज लाइक अ कोर फंक्शनिंग फॉर द एंटायर। तो विदाउट बैंक्स वी कैन नॉट इवन विजुलाइज की लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव कर पाओगे। इंटर्नशिप एंड योर प्रोजेक्ट्स, आपका रिसब नया हर एंड कंपनी, लिया था छोटा सा, जब रिकॉर्डेड होगा तो देख बता देना कहाँ पे है और लोग भी देख लेंगे। Why do you want to change your subject and career? ये तुमने ऊपर लिखा ही है, है ना? Social domain की तो उसको repeat ही कर दिया होगा। Why could have made better career by your subject? सर मेरे को यही doubt था सर। Like actually क्या हुआ, मैंने जब TISCA भरा था सर, तो मेरा first preference HR था, second DS Mumbai, third DS Hyderabad। तो अगर वो लोग पूछे कि आप एचआर को ऐसे रख के फिर डेवलपमेंट स्टडीज, तो बोला रहा कि सर इंटरनेट पे 12वीं पास काउंसलर सब बैठे होते हैं और दिन रात यही चिल्लाते रहते हैं, टेस्ट जाओ तो एचआर में जाओ। तो नहीं सर, मतलब मुझे ऐसे उस झांसे में हम भी पड़ गए। एंड सी, मैं अभी भी, मतलब आई हैव सेड इट दिस स्टेटमेंट मेनी टाइम्स, कि जितना पोटेंशियल जितनी कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एचआर कोर्स से होती है ना, बाकी सारे कोर्स से उतनी ही कैपेबिलिटी डेवलपमेंट होती है। हो सकता है किसी किसी से तुम्हारी ज्यादा कैपेबिलिटी डेवलपमेंट होती है, बट द थिंग इज कि द कैपेबिलिटी और द स्किल दैट यू गेट फ्रॉम एचआर, है ना, इज मोर अप्रिशिएटेड बाय, और इज अप्रिशिएटेड बाय इंडस्ट्री, मोर अप्रिशिएटेड बाय इंडस्ट्री देन अदर कोर्सेज, एंड दैट्स व्हाई देयर प्लेसमेंट स्टैट्स आर हाई। बट अगर तुम लॉन्ग टर्म में वर्क लाइफ बैलेंस देखोगे, या फिर सेटिस्फैक्शन थ्रू योर वर्क देखोगे, या फिर आउटकम, जो ग्रेटर गुड के आउटकम्स है वो तुम देखोगे, यू विल फाइंड दैट योर सेटिस्फैक्शन लेवल ना आफ्टर 10 ईयर डाउन द लाइन, इफ आर सीइंग समबडी हु इज वर्किंग इन एचआर फ्रॉम द सेम कॉलेज, और वो किसी बहुत बड़े कंपनी में अच्छे एचआर पे पोजीशन पे काम कर रहा है, एंड यू विल बी सीइंग योरसेल्फ एज अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर इन सम कंपनी और एनजीओ, and if you'll chart the entire life, apne 10 saal jo chart karoge ki kaise kaise hum yahan pe hain aur kaise kaise wo wahan pe, you will never think, even think of swapping your lives, professional lives. Vivas mein aa raha hai, jaise main agar khud apni baat karu to I have been a wo matlab kya bolte hain trend breaker, to despite hota hai ki acche college se humne padha tha, I could have gone to IT company or business analyst or research profile ko bade aaram se pursue kar sakta tha, so I was kind of teacher for my batch also, matlab bahut sari cheeze main unko padhata tha, maths wagera ko leke ya fir kai sare subjects ko,
तो इट वाज वेरी इजी है ना। और तो मैंने सोचा कि नहीं मैं अपनी कंसल्टिंग कंपनी खोलूंगा, बिकॉज इंडिया में कंसल्टिंग कंपनीज वैसे है नहीं एमएनसीज वगैरह के लिए, सॉरी एमएसएमईज के लिए। तो आई विल ओपन अ कंसल्टिंग कंपनी और मैं उनको टेलर्ड सोल्यूशन दूंगा, कस्टमाइज, नॉट अ फार्मूला बेस्ड सोल्यूशन। तो आई स्टार्टेड मार्केटिंग द, मैंने उस समय एक वेबसाइट बनाया। अब तुम्हें बताते हैं, उस समय गूगल रैंकिंग होती थी वेबसाइट की, अब वो नहीं होती है। उस समय जो मेरी रैंकिंग थी ना, वो मतलब दैट वाज वन वन नहीं, मतलब इतना था कि दैट वाज नॉट, जैसे होता है ना कि जिसमें बहुत सारी कंपनियों से भी हाई था। मतलब द काइंड ऑफ कंटेंट दैट आई हैव रिटन फॉर जस्ट 7 पेज स्टैटिक वेबसाइट ना वाज टू क्वालिटेटिव। इसलिए मैं प्राउडली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो रैंकिंग के हिसाब से मेरे बैचमेट तो देख के परेशान हो जाते थे कि तुम्हारी ये रैंकिंग कैसे है। दूसरा, फिर व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग दैट और उसको मैं पिच करना शुरू किया, तो कई कंपनी में तो मेरे से ऐसे बोलते थे कि अचल लेट अस हायर यू, है ना, मतलब आप प्रोजेक्ट मत करो, हम आपको जॉब देते हैं। मतलब व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, मतलब कितना एवरेज पैकेज आपके कॉलेज का था, है ना, आई विल बी गिविंग यू दैट काइंड ऑफ जॉब राइट हियर। तो नहीं, हम यही करेंगे करके, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कॉलेज। तो कहने का मतलब क्या है कि आई हैव सीन डेज वेयर, मतलब जैसे कॉलेज में सैलरी ज्यादा नहीं मिलती है, एंड देन आई स्टार्टेड दिस स्मार्ट। और उस समय जब मैंने स्मार्ट ओपन किया था, तो आई यूज टू पे ऑलमोस्ट 23,000 रुपीज फॉर ऑल द एक्सपेंडिचर्स, और मेरी मतलब जो टोटल सैलरी और सारा बहुत उस समय बहुत कम था। तो सिर्फ 3 घंटे के लिए आई यूज टू पे 23,000, और ये बहुत बेवकूफ़ी है अगर समझ, इफ यू विल सी विथ अ सोशल परस्पेक्टिव, या सोशल नहीं मतलब सोसाइटी के परस्पेक्टिव से देखोगे तो ये बेवकूफ़ी है कि आप 3 घंटे के लिए 23,000 रुपये पे कर रहे हो। बट द थिंग इज आई नेवर थॉट स्मॉल, मुझे हमेशा लगता था कि 1 महीने में आई विल स्टार्ट गेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ स्टूडेंट कि मैं अपना जॉब छोड़ के फिर इसमें लग जाऊंगा। तो दैट्स वाई आई वॉज एबल टू थिंक दैट बिग, बिकॉज आई न्यू माई पोटेंशियल, आई आई हैड वर्क फॉर माई कैपेबिलिटी। तो मेरा पॉइंट ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आज 10 साल बाद, जो है 10 से अब तो 11-12 साल हो गया एमबीए किए हुए। सो इफ आई सी एनी ऑफ माई बैचमेट हु इज वर्किंग एट वेरी हाई पोजिशन और अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं, देयर अर्निंग माइट बी मच मोर देन वट आई एम अर्निंग, बट आई वॉन्ट स्वैप द पोजिशन जस्ट बिकॉज ये जो डेवलपमेंट सेक्टर का काम है, बट द थिंग दैट आई एम डूइंग इज बेसिकली अंडर द डेवलपमेंट सेक्टर, समझ रहे हो ना मेरी बात। Yes, so the sir. kind of mobility diversity this job gives Sir, me, है ना, I won't get anywhere. The challenge that I that's what face, sir, मतलब वो रहता ही है sir, because sir, at times आपका क्या बोलते हैं salary package would be so good कि आपको लग रहा है कि आप monetary wise बहुत sorted हो, but अगर आप passion wise और growth देखोगे ना sir, आप अंदर से लगोगे आप कुछ and you कर ही cannot नहीं just रहे हो। even think of a single hour work for your passion, है ना। Exactly sir. तो और दूसरी चीज क्या है कि देखो, मतलब आई एम एन एमए ग्रेजुएट, तो ठीक है थोड़ी बहुत मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, बट ऑल दीज थिंग्स दैट आई स्पीक फॉर यू और जो टू ट्रेन और जो चीजें हम कंपेयर करते हैं, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड बाय द वे आई स्पीक कि ये सिर्फ आउट ऑफ पैशन की लर्निंग है। ऐसा और नहीं है मुझे, एक्सपीरियंस। हाँ, कि मुझे फोर्स किया गया है कि अच्छा तुमको ये क्लास लेनी है तो तुम ये सीख के आओ, है ना। You can just visualize and see it. The point ये है कि जब जब आप ऐसे ऑफ बीट भी नहीं बोलेंगे इसको, मतलब आप ऐसे फील्ड में जाते हो वेयर यू आर नॉट वेरी श्योर कि क्या करना है, तो जो चैलेंजेस है, जो वर्क प्रोफाइल है, वो तुम्हें बहुत इंट्रीग करेगी आगे चल के, और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, विच सिवा कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि वो सिर्फ एचआर ही करना चाहता है। अगले 3 साल तक ट्राई करेगा लेकिन एचआर ही करेगा। सो ऑल्दो मैं आई एम नॉट डिमीन तो नहीं बोलेंगे, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप एमबीए करना चाहते हो या फिर एमबीए एक अच्छा, इवन एमबीए डजंट से यू टू स्टिक टू अ जॉब, है ना। एमबीए तो आपको वर्सेटाइल नॉलेज वो भी देता है, मल्टी डायमेंशनल नॉलेज वो भी देता है, बट द थिंग इज सर, दैट हाँ, द कैरियर चॉइस दैट वी मेक सर, बट वो स्पेशलाइजेशन आप कर लेते हो तो फिर उसमें लिमिट हो जाता है सर, उसके बियॉन्ड आप कुछ कर नहीं सकते सर। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब आप तब भी कर सकते हो, आप तब भी सीख सकते हो, मैं भी तो एमबीए हूँ, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि सर जो नॉर्मली रेशनल थिंकिंग तो वैसे होती है पॉइंट ये है कि जब कभी तुमसे पूछ ही देगा कि क्यों एचआर अप्लाई कर दिया था आपने पहले, तो यू कैन जस्ट से कि मतलब आप जब फॉर्म फिल करने लगते हो तो
आप ये खोजते हो कि विच आर द बेस्ट कोर्स इन टेस्ट. सो नाउ व्हेन एवरीबॉडी इज सेइंग कि एचआर बेस्ट है, एचआर बेस्ट है, एचआर बेस्ट है, एंड देयर आर पीपल आई हैव सीन हु हैज रिटन ऑन इंटरनेट कि टेस्ट जाओ तो एचआर जाओ, बाकी सब घटिया कोर्स है. आई डोंट नो व्हाट आई सॉ कोरा पे एक था डेवलपमेंट स्टडीज को इतना क्रिटिसाइज कर रखा है कि अजीब सा लगने लगता है कि देयर इज नो जॉब्स नथिंग ये वो इतना बुरा बुरा लिखा है. वो इसलिए भी होगा बिकॉज़ ही वाज नॉट एबल टू फाइंड वन एक्सप्लोर दैट फील्ड और अपने कैपेबिलिटी पे उसने ध्यान नहीं दिया. है भी एनोनिमस मतलब सर मतलब किसी किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं भी होती है तो सर एनोनिमस लिखने वाला आदमी तो बिल्कुल वो है फ्रस्ट्रेटेड. हां वो फ्रस्ट्रेटेड है वो मतलब ही कैन नॉट इवन स्पीक लाउड अबाउट व्हाट ही हैज लर्नड और व्हाट ही हैव सीन. आपने देखा है ना यूपीएससी के लिए भी कितने लोग बोलते हैं जब क्लियर नहीं होता क्रिटिसाइज करते हैं उल्टा यूपीएससी. लेकिन मैं भी क्रिटिसाइज करता हूं ऐसा इसलिए नहीं कि मेरा क्लियर नहीं हुआ. आपने दिया था क्या? मैंने एक बार वो सुनो तो सही मैंने एक बार एग्जाम दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ माय वो एक बार तो मेरे फ्रेंड्स ने भरवा दिया मेरा फॉर्म और एक बार मेरी वाइफ ने भरवा दिया. तो ऐसा कोई प्रिपेयर करके मैंने कभी नहीं दिया है. सो आई नेवर हैड दिस ड्रीम ऑफ बीइंग पर मेरा तो पहले से क्लियर था ये देना ही नहीं है. हाँ हाँ मेरा भी ऑलमोस्ट क्लियर था. वो तो ये था ना कि मैं कॉलेज में पढ़ाता तो मेरे पास टाइम बहुत होता था तो लोग बोलते थे दे दे दे. मेरे जेई के साथ टाइम पे सर एक सर थे तो बेचारे उनकी स्टोरी सुन सुन के समझ में आ गया था ये सब करना लेकिन ये फील्ड में नहीं जाना है ये फील्ड बहुत बेकार है. नहीं मतलब वो तो ये तो मैं बिल्कुल मैं भी सही हूँ मतलब आई विल नॉट फाइट अ रेस. जैसे मान लो कहीं पे 100 लोग दौड़ रहे हैं और एक आदमी को जीतना है तो इवन इफ आई हैव लिटिल चांस टू विन दैट रेस आई वोंट गो टू दैट रेस. मैं क्यों ऐसे रेस में दौड़ूं जहां पे 100 लोग में सिर्फ एक ही को जीतना है. एग्जैक्टली सर वही मेरा थॉट है एंड दैट्स नॉट इवन माय लाइफ गोल. वही मेरा थॉट है सर. तो व्हाई वुड आई गो फॉर दैट एनीवे मेरा भी नहीं है. हाँ तो ऐसा ऐसा बिल्कुल मेरा वो नहीं था कि मैं ऐसे किसी रेस में जाऊं और वो भी बाय स्टॉपिंग माय इंटायर लाइफ ऑफ प्रोडक्टिविटी. जैसे मतलब मैं जैसे एमबीए किया तो एमबीए करके आई कैन डू लॉट मेनी थिंग्स है ना विथ माय सेल्फ विथ माय प्रोफाइल. उसमें मैं उस पूरा पूरा एक दो साल आई कैन नॉट गो फॉर यूपीएससी. यस सर एक्चुअली बहुत क्या बोलते हैं मेंटली एंड फिजिकली बहुत एग्जॉस्ट. हाँ बट पीपल कैन गो. ऐसा नहीं है कि हम सबको मना करते हैं बट लार्जली अगर मेरे से कोई सजेशन लेता है तो आई जस्ट से कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को फिट रखिए और साथ में प्रिपेयर कीजिए तो बेटर है ना. नॉट स्टॉप टू प्रिपेयर बट सर वो बैलेंस भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. अरे नहीं हो जाता है जब आप अच्छे से करोगे तो सब हो जाएगा. मैं तुम्हें आई विल नॉट क्रिटिसाइज. एक मिनट को मैं रिकॉर्डिंग को पॉज. तो जब तुमसे अगर कोई पूछता है कि एचआर के लिए क्यों बोला तो बता सकती हो कि व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म All these things came. Yes, sir, मतलब managerial background से थी तो मेरे को था कि हाँ मतलब HR. हाँ वो भी बोल सकते हो. ठीक है. मैंने वैसे defend कर दी. ठीक है ये तुम्हारा बिल्कुल सही है. DS मुंबई और DS हैदराबाद. Okay. Importance of learning those subject which you missed. तो HR. सर ये मेरे को ये क्या समझी नहीं सर. अगर HR miss की तो मैं क्या. नहीं नहीं मतलब हाँ मतलब HR में नहीं गया तो क्या कौन सी learning miss करोगे और उसका क्या इम्पैक्ट होता तुम्हारे लाइफ पे. तो ऑफ कोर्स एचआर की जो लर्निंग है वो आपको कॉर्पोरेट के लिए एलिजिबल बनाती है और यू कुड हैव गॉट प्लेस्ड एंड विद हाई न्यूमरेशन और उस पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो. आर यू कंपेयरिंग कॉम्प्रोमाइजिंग बाय योर सेकंड एंड थर्ड चॉइस. तो इस केस में तो तुम ये लिख सकते हो ना डेफिनेटली नॉट. ऐसे मैंने नहीं लिखा है मतलब. व्हाट सिमिलर कोर्स हैव यू अप्लाइड टू अदर यूनिवर्सिटीज. Rejected. MSS में बहुत बढ़िया. Rejected? वहाँ कैसे reject हो गई? इतना अच्छा हो तुम्हारा. ये पहले नहीं prepare किया था क्या तुमने ये document? Sir, वो actually मैंने ना दो तीन questions में fumble कर दिया सर. उन्होंने मेरे को क्या पूछा तो जो ICICI bank है उनका IFMR के साथ connect है तो मतलब उन्होंने पूछा कि बैंक कितनी बड़ी हो कि उनको क्यों ऐसी मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट क्यों है. तो मेरे को इतना अवेयरनेस नहीं था सर. तो मैंने एक दो क्वेश्चन पे मैंने बराबर से डिफेंड नहीं किया सर. अच्छा तो तुम्हारा जो बीबीए है वो आईएफएमआर से है. नहीं सर उन्होंने मेरे को पूछा कि आईसीआईसीआई का टाई अप है. आईएफएमआर का नाम चेंज हो गया है ना मतलब दे हैव चेंज्ड देयर नेम द बिजनेस स्कूल. तो उन्होंने उस तरीके से पूछा कि इतनी बड़ी प्राइवेट प्लेयर हो के उनको क्यों ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप चाहिए एंड समथिंग. फर्स्ट प्रेफरेंस वुड बी इट इज हैदराबाद एज अ करिकुलम एंड फ्रेमवर्क इज मोर
क्यों मतलब तुम्हारा मुंबई है ना सेकंड? नहीं सर मुंबई मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। अच्छा चार मार्क्स से रह गया सर। ठीक है सर मैंने ये मतलब वो अगर पूछे कि अभी MSSW है बैकअप मतलब अगर एटलीस्ट मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है तो मैंने ये लिखा है कि मैं क्यों डिफेंड करूं कि क्यों मेरे को टेस्ट चाहिए। ओके बिल्कुल ठीक है मतलब इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड बेटर स्ट्रक्चर। और दूसरा क्या है कि मतलब टेस्ट की लेगेसी ज्यादा बड़ी है ना। यस सर वही इसीलिए लिखा करियर अपॉर्चुनिटीज और अलुमनाई नेटवर्क इनका अच्छा है। इट्स नॉट अबाउट लेगेसी के टर्म में हम ये नहीं बोलते अलुमनाई नेटवर्क। लेगेसी का मतलब ये होता है कि जो नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो ज्यादा डेवलप्ड होगा उनका रिसर्च ज्यादा होगा है ना वो जो पीयर ग्रुप और इंटेलेक्चुअल पीयर ग्रुप जो बनता है वो ज्यादा डेंस होगा इस सेंस में। रीजनल पॉलिटिक्स में एक तो मुझे सही में वो एक जो जोक चलता है ना कि पूरा साउथ एक जैसा दिखता है। सर आप लोग क्यों ऐसे करते हो पता नहीं सर। ज्योग्राफी वीक है क्या सर? मतलब मैं थक गई हूँ बता के। नहीं मैं ऐसे स्टेट ज्योग्राफी वाइज तो बिल्कुल मुझे क्लियरली पता है कि कहाँ क्या है। नहीं सर ये मैंने बहुत लोगों के साथ देखा है सर मतलब चेन्नई सुन के फिर सब बोले कि सब साउथ के स्टेट एक ही होते हैं। अरे देखो मैं तुम्हें बताता हूँ सी द मैप ऑफ इंडिया। सर कितना निकले लिखा है। ठीक है ये तो कोई बात नहीं। रीजनल सोशल इश्यूज issues related to your subject water crisis the task mein kya hai sir? ye matlab idhar ka state ka market hai of marketing company hai for alcohol so to ye monopoly hai to usse matlab kya ek taraf se it's a very diplomatic situation ek taraf se they are trying to lift up matlab kya bolte rural people through welfare schemes aur sasti daru bech ke unko aur maar peet aur usme bhi udhakel rahe sir matlab domestic violence badhta hai ये लोग दोपहर को मतलब इन एट द टाइम ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव ये लोग दारू पी के सो जाते हैं। सही में मतलब ये भी उधर देखता हूं मैं उधर टीवी पर। आप लिटरली केरला में बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं तमिलनाडु में बहुत ज्यादा है मतलब तमिलनाडु में सुबह ज्यादा है। सुबह 10 बजे वो लोग पी लेते हैं यार वो। सर आप बिलीव नहीं करोगे सर खुलते हैं। यूपी में भी बहुत ज्यादा है। यूपी में भी बहुत ज्यादा है सर। यूपी में एक सोशियो इकोनॉमिक वो उसमें होगा। दिन में कम पीते हैं लोग यार सर। यूपी में नहीं है सर। है देसी दारू का बहुत ट्रेंड है सर। यूपी में कच्ची वाली पी लेते हैं। कच्ची वाली वहाँ हुई वो कच्ची वाली उसका बहुत ज्यादा। यूपी में बहुत कम है तो मैं सर कितने सुसाइड्स हुए हैं अभी कोविड के टाइम में लॉकडाउन में। मेरे आगरा में तो बहुत प्रॉब्लम है। यूथ भी फंस चुका है पूरा दारू के चक्कर में। हाँ मेरे आगरा में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये दारू को लेके देसी दारू को लेके कच्ची दारू जो बोलते हैं उसमें यूथ है मतलब 20-25 साल के लड़के लोग ना पी के मतलब पड़े रहते हैं जैसे ये बता रही है वैसे ही हाल है। ड्रग्स भी हो सकता है यार तुम पक्का हो गए? ड्रग्स नहीं सर दारू रहती है। समझ में आता है ना मतलब ड्रग्स इज अ डिफरेंट थिंग। पंजाब इज फेमस फॉर इट्स ड्रग्स। ड्रग्स हां ड्रग्स तो आगरा के लोग जो हैं मतलब साउथ इज फेमस फॉर इट्स वो। मैं इतना बोल सकता हूं आगरा में ड्रग्स तो नहीं है इतना नहीं मुझे इतना नहीं कि जो विजिबल हो मतलब सब लोग देख पाए। दारू का मैं बोल रहा हूँ सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। बट मतलब मैं तो जैसे यूपी वगैरह में देखा हूँ तो जैसे दिन के टाइम में जो कस्टमर बेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं मतलब बहुत वो। और बाकी जो इवनिंग में देखो फिर वहाँ पे सर अभी ऐसे टास्कमक जैसे क्वेश्चंस को कैसे काउंटर देना सर। अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट का सेकंड हाईएस्ट सोशल रेवेन्यू। वैसे वैसे अगर डेटा वाइज बताऊ ना तो तमिलनाडु में 13% है और कर्नाटका में 12%, आंध्रा में 7%, तेलंगाना में 6%, अल्कोहल कंजम्पशन तेलंगाना 6%, केरला 5%, सारा साउथ में ही है सबसे ज्यादा। इंडिया का बता रही हूँ तो उसमें 13% केरला में कंज्यूम होता है। हाँ हाँ और तमिलनाडु में 13%। यूपी में तो ऑलरेडी एज भी कम है ना दारू का जो पीने का दारू है वो। यूपी में एज भी कम है। नहीं नहीं तुम सोनाली का डेटा सुनो ना जो नेशनल कंज्यूमशन का 13% तमिलनाडु में। हाँ और कर्नाटका में 12%, आंध्रा में 7%। यूपी का दिखा नहीं रही है टॉप 5 दिखा रहा है आई थिंक। मैं एक सेकंड टॉप 5 दिखा रहा तो 5% से कम ही होगा ना। हाँ हाँ तो तुम देख रहे हो ना सूरज हाईएस्ट किसका कौन से स्टेट का? तमिलनाडु।
तुम्हारा तमिलनाडु का वही तो मैं बोल रही हूँ सर, गवर्नमेंट ही मार्केट वो लोकल इशू देख रही है तभी तो बता रही है ना सर, हमारे सर मेरा वॉचमैन सर गर्लफ्रेंड दारू पी के सो जाता है। अगर तुमको रेवेन्यू वाइज बताऊं तो रेवेन्यू वाइज तमिलनाडु का सबसे ज्यादा है, उसके बाद हरियाणा का है, महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है, फिर यूपी का है, तो लाइक उसमें भी यूपी काफी नीचे ही है। कोई नहीं है, व्हाट अल्टरनेट डू यू कीप फॉर योरसेल्फ? ठीक है, इन टर्म ऑफ करियर वेल इक्विप्ड विद द नॉलेज एंड सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्क एक्स डिटेल ये तो हो गया है। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, वेयर यू गाइडेड मी फॉर डेफ राइट अपोज टू एक्सम्पोर, आल्सो यू कनेक्टेड विद, ठीक है भाई, बोलने की जरूरत नहीं है, है ना, जस्ट मेंटर अपने के लिए लिखा है, ठीक है। हां अपने के लिए तो हाँ और लिख देना चाहिए डिटेल में, मतलब जितना बेटर, जितना ही मेरा कोई फायदे वाली बात नहीं है, मैं बोलूंगा जितना बेटर अपने आप को एनालाइज करते हो ना उतना ज्यादा अच्छा तुम्हारा exactly, वो होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। तो मतलब अगर एक अच्छी लाइन आपको बोलनी है तो उसके बैकग्राउंड में 500 लाइन का वो होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए। खैर बहुत ज्यादा बोल दिया, मतलब हाँ 10 लाइन तो रखना ही चाहिए ना। So why do you want to be in test? The reason why different development study facilities, the procedures of the pioneers of the lines, they core emphasize teaching. ये फिर pioneer वगैरह ना पहले ही मत बोलो, ठीक है, वो वही सारी चीजें बोलो कि legacy है, research है, curriculum जो है वो बिल्कुल external environment से match करते हैं, रखते हैं, ठीक है, and so field works और stimulation exercises और टाइप्स वगैरह या MOUs यूनिवर्सिटीज से, ये सब बहुत हाई है, प्रोफेसर्स की रिसर्च एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड एक्शन बेस्ड भी काम होता है यहाँ पे। So that's what they're trying to keep a match with the curriculum. So the one of the वो that we have realized in this pandemic that Indian universities has failed. Sir, sorry, sir, your voice bahut kam aa rahi, can you repeat it? Failed in order to respond or reflect at the time of pandemic. Not only they failed to